हेलो गाइस, फ्लिपकार्ट में नार्जो 10A का 22 मई से इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगा और ये नार्जो 10A का प्राइस होगा 8,500। और इस फोन में आपको जो फीचर्स मिल रहा है वो सेम आपको रियलमी C3 में भी मिल जाएगा। और ये रियलमी C3 का प्राइस था 7,500, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है और फ्लिपकार्ट में अभी मिल रहा है 8,000 में। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि इन दोनों फोनों में कौन सा परचेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिकेशन अगर बताएं तो सेम है लगभग, और प्राइस अगर बताने जाए तो 500 रुपये ज़्यादा प्राइस है नार्जो 10A का और 500 रुपये कम प्राइस है रियलमी C3 का। तो अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाह रहे हैं 8,000 के करीब करीब, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों फ़ोनों में कौन सा अच्छा है और कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं नार्जो 10A और रियलमी C3 के डिस्प्ले के बारे में। इन दोनों में आपको सेम डिस्प्ले मिल जाता है, 6.52 इंच का HD+ आपको डिस्प्ले मिल जाता है, दोनों का डिस्प्ले सेम है। और अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो रियलमी C3 और नार्जो 10A का प्रोसेसर भी सेम दिया गया है, मीडियाटेक G70 दोनों फ़ोनों में आपको मिल जाएंगे। अगर कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उतना भी चेंज नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। देखो, रियलमी C3 में आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, लेकिन नार्जो 10A में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। नार्जो 10A में आपको 12+2+2 का ट्रिपल कैमरा मिलता है और रियलमी C3 में आपको 12+2 का डुअल कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का और रियलमी C3 में भी आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर बताया गया है कि नार्जो 10 में आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, तो यहाँ पर जो 2 मेगापिक्सल का अलग से कैमरा मिल रहा है, इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको ये मैक्रो कैमरा में मिलेगा 2 मेगापिक्सल का। अगर इसका होना भी या ना होना भी उतना ज़्यादा आपके कैमरे में, मतलब उतना बहुत अच्छा पिक्चर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, इसमें आपको डुअल कैमरा मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं है इन दोनों में। अगर हम बात करें बैटरी में, तो बैटरी में भी आपको सेम दिख जाते हैं। रियलमी C3 में आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाता है, नार्जो 10 में भी आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग दिया नहीं गया है। हाँ, नार्जो 10 में आपको फास्ट चार्जिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके बॉडी के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ आपको दोनों का बॉडी जो है प्लास्टिक बॉडी आपको मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट का बॉडी मिल जाता है, ट्रिपल सिम स्लॉट दोनों में आपको मिल जाता है। तो अब आते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। रियलमी C3 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है और नार्जो 10 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फेस अनलॉक के बारे में बात करें तो दोनों में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हाँ मैं फिर बता देता हूँ, नार्जो 10 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और रियलमी C3 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। अगर हम बात करें प्राइस के बारे में, तो देखो नार्जो 10A का प्राइस है 8,500 3GB 32GB का और रियलमी C3 का प्राइस है 3GB 32GB का 8,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के, और मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखो, डिस्प्ले सेम है, 6.52 HD+ डिस्प्ले। प्रोसेसर भी आपको सेम दिया गया है, G70 का प्रोसेसर मीडियाटेक का। और आपको कैमरा में जो मैंने बता दिया था कि मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और फ्रंट में आपको दोनों में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लेकिन हाँ डुअल कैमरा और ट्रिपल कैमरा है, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत आपको कोई भी नहीं होगा दोनों फ़ोन को खरीदने में। बैटरी के बारे में बात करें तो सेम दिया गया है, ट्रिपल शॉट भी आपको दोनों में मिल जाता है, बॉडी भी आपको प्लास्टिक में मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं मेन सवाल के ऊपर कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सेम है और प्राइस 500 रुपये ज़्यादा है नार्जो 10A का। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो आप नार्जो 10A ले सकते हो, और अगर आपको ऐसे भी चल जाएगा तो रियलमी C3 ले सकते हो, दोनों में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं 500 रुपये ज़्यादा देने का फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए। देखो, ऐसा भी नहीं है, अगर आप कैमरा लेते हो तो ट्रिपल कैमरा आप बता भी सकते हो कि हाँ मेरे फ़ोन में ट्रिपल कैमरा है, और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाते हैं। मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपको नहीं मिलता, और मिलता है यार, कोई ट्रिपल कैमरा का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 500 रुपये ज़्यादा देते हो तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और अगर 500 रुपये कम देते हो तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 500 रुपये ज़्यादा देना है या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए या नहीं चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका बजट ही 8,000 है, 1 रुपये आपको ज़्यादा देना नहीं है, तो रियलमी C3 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। अगर आपको चाहता है फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आप 500 रुपये ज़्यादा दे सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।